हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाना सीखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, घर पे किस तरीके से रुमाली रोटी बनाई जा सकती है उसके सारे सीक्रेट्स। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 1 कप के जितना मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ पहले से छान के रखा है, जिसमें 1 टेबल स्पून के जितना मैंने घी ऐड कर दिया। मैंने अलग से 1/4 कप के जितना गुनगुना दूध लेके रखा है, आटा हम उसी से लगाएंगे। तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि आटे पे भी डिपेंड करता है। आटा अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे स्टोर करके रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसको नमी ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी अगर आप किसी कोल्ड प्लेस पे रहते हैं तो वहाँ का आटा थोड़ा नम होता है, तो दूध कम भी लग सकता है। तो आपको एक नरम आटा गूंथने के लिए जितने दूध की रिक्वायरमेंट हो आप उतना यूज़ करें। मुझे 1/4 कप मिल्क में काम मेरा हो गया। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो आटे को अच्छे से एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, फिर आपको इस तरीके से आटे को तोड़ना है क्योंकि इससे इलास्टिसिटी क्रिएट होगी और हम बाद में क्योंकि रुमाली रोटी को घुमाएंगे यानी कि उसमें उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है। बिल्कुल इस तरीके से करते हुए आपको तब तक करना है जब तक आटा इकट्ठा ना हो जाए। आप जितना ज़्यादा ये प्रोसेस करोगे आपकी रुमाली रोटी उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया, नॉर्मल जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है उस तरीके से हाथ से गूंद के रख दिया, तो आप जब स्ट्रेच करोगे ना तो उसमें बहुत जल्दी होल्स बन जाएंगे यानी कि बहुत जल्दी वो फट जाएगी बीच से। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आप उसको जब घुमाओगे तो जब तक वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ना हो जाए आपको तब तक उसको घुमाना है। आपका हाथ दूसरे साइड हल्का हल्का दिखना चाहिए। इसको मैंने कवर करके रख दिया। पहले तो 1 टेबल स्पून के जितना घी और डाला, अच्छे से चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दीजिए और एक गीले कॉटन के कपड़े से इसको ढक के रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, तो इसको रेस्ट दीजिए करीबन 10 से 15 मिनट का। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो मेन पर्पज़ वही था उस तरीके से कूदने का। पंद्रह मिनट के बाद आप इसको एक बार वापस से अच्छे से मिला लीजिए ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाइए। 1 कप मैदे में 2 रुमाली रोटी बनेगी क्योंकि इसकी लोइयाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी रोटी होती है। इस तरीके से एक सरफेस पे आप मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो गया है ये, हमें यही टेक्सचर चाहिए था। इसमें आप लोइयाँ निकाल लें। सरफेस मैंने पहले से क्लीन करके रखा था क्योंकि चकले पे ये रोटी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इतना बड़ा बेलिए, आप हाथ से अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको जितना बड़ा बेल सकते हैं, जितना थिन बेल सकते हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी हाथ पे किस तरीके से इसको घुमाया जाता है मैं वो भी दिखाऊंगी, जितना कैमरे में मैं दिखा सकती हूँ। मतलब मैं ऊपर उछाल के तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे कैमरे की सेटिंग वैसी है। बाकी आप हाथ पे नॉर्मल तरीके से किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको दिखा दे रही हूँ। लोइयाँ आप बनाइए और इसको कॉर्नर से आपको पतला बेलना है, बीच में मोटा रखना है लेकिन कॉर्नर से यानी कि साइड से आपको पतला बेलना है क्योंकि हम इसको स्ट्रेच बीच से करेंगे तो बीच में आटा ज़्यादा होना चाहिए। कॉर्नर पे आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे तो फिर रोटी आपकी कॉर्नर पे मोटी रह जाएगी, तो इसीलिए कॉर्नर पे जितना पतला बेल सकते हैं आप उतना पतला पहले ही बेल लें। आप देख सकते हैं मैं इसको सिर्फ कॉर्नर पे बेल रही हूँ घुमाते हुए। इतना बेलने के बाद अब आपको हाथों पे लेना है और इसको इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर करते हुए आपको इसको घुमाते हुए ट्रांसफर करना है, यानी कि जैसे आपने एक बार दूसरे हाथ पे डाला फिर इसको जब आप दूसरी बार डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको घुमा के डालिए। मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं डालना है, इसको रोटेट करते हुए आपको इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर करना है ताकि हर तरफ से स्ट्रेच हो।
हमने जो आटा तोड़ तोड़ के गूंदा था उसी की वजह से इसमें बीच में होल नहीं बने, नहीं तो अगर आप नॉर्मल तरीके से आटा गूंदोगे तो अभी तक इसमें बीच में छेद हो जाएंगे। तो आपको आटा उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने बताया है। जब आप इस तरीके से इसको एक हाथ से दूसरे हाथ पे लोगे तो मैदा खिंचता है, तो इसकी वजह से ये देखिए बीच में काफ़ी पतला हो चुका है, आपको ऑलमोस्ट दूसरे साइड मेरा हाथ दिख रहा होगा, तो इतना पतला होना चाहिए। अब आपको एक कटोरी में पानी लेना है जिसमें आपको नमक ऐड करना है। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट हम जिस बर्तन पे सेकेंगे उसके लिए है। तो पानी में थोड़ा नमक ऐड कर दें, और चूँकि हम घर पे बना रहे हैं तो घर पे हम किस तरीके से इसका बर्तन तैयार करें मैं वो दिखा दे रही हूँ। मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई है, हमेशा मोटी तली वाले बर्तन इसके लिए यूज़ करें। इसको मैंने पलट के गैस पे रख दिया है और ये नमक वाला पानी इस पे लगा दिया है ताकि रोटी चिपके ना। मेरी कढ़ाई काफ़ी हिल रही थी तो मैंने बाद में इसके नीचे कटोरी से थोड़ा सा एडजस्ट किया था, तो आप एडजस्टमेंट मतलब पहले ही कर ले, मैंने थोड़ी देर बाद किया था। इस तरीके से बेलन पे आप इसको ट्रांसफ़र करें रोटी, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं डाल ली थी तो थोड़ा ठीक से नहीं पड़ा, बाकी मैंने वापस से ठीक करके आपको दिखाया। ये देखिए जो आँच है वो हाई ही होनी चाहिए तभी अच्छे से पकेंगे, और इसको आपको घुमाते हुए पकाना है हर तरफ थोड़ा सा, मतलब जहाँ से भी आपको कच्चा दिख रहा है कपड़े की मदद से आप वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं ताकि इवनली कुक हो, और इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये मैंने दूसरी रोटी डाल दी। अभी बर्तन ज़्यादा अच्छे से गर्म हो गया है तो पहली रोटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी दूसरी या फिर उसके बाद वाली रोटियाँ होती। इसी तरीके से डोसे में भी है कि पहला बैच कभी भी उतना अच्छा नहीं होता, तो ये दूसरी रोटी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितने अच्छे से इसमें बबल्स और चित्तियाँ पड़ी हैं। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, मतलब अच्छे से ये पक रही है। इसको हम पलट देंगे, ये कढ़ाई हिल रही है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो दोनों साइड कटोरी से उसको फिक्स कर दें तभी बनाएं। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो चुकी है, इसको इस तरीके से फोल्ड करते रहें। ये हमारी रुमाली रोटी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है। ये रोटी आप किसी भी इंडियन करी के साथ खा सकते हैं, कबाब्स के साथ खा सकते हैं, या फिर कबाब को बीच में फिल करके आप उसका रोल भी बना सकते हैं। बहुत सारे यूसेज हैं, आप जैसे मन चाहे आप वैसे खा सकते हैं, बट मेनली ये जैसे चिकन या फिर पनीर वाली ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो आप इसको जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए, स्पेशल ओकेजन हो, आप उस टाइम पर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए क्यूमन करी को सब्सक्राइब कर लें, और क्यूमन करी का फेसबुक इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ मैं डेली बेसिस पे बहुत इंटरेस्टिंग फूड से रिलेटेड पिक्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है नीचे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको याद से प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाएं, यानी कि टाइम से मिले, इसलिए उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।